हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, मिलू महतो चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। मैं आप लोग को आज धुरपी साग का रेसिपी दिखाऊंगी। हम लोग इसको धुरपी साग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और कौन कौन इसको खाए हैं वो भी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये बारिश का मौसम में भी होता है और ठंडी का मौसम में भी होता है। बारिश का मौसम में उतना नहीं मिलता, लेकिन ठंडी के मौसम में ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, अभी उतना नहीं है खेत में, तो मैं इसको खोज खोज के तोड़ रही थी। बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ये जैसे मतलब किसी का अगर पेट टूट दर्द हो या फिर भूख ना लगे, तो ये साग खाने से बहुत ही फायदेमंद होता है। ये घरेलू नुस्खा टाइप से है, ये नेचुरल ऑर्गेनिक है, ये बिना खाद दिए ही ये खेत में निकलता है अपने आप ही। ये सब साग खाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। ये साग का रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं साग तोड़ रही हूं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था तोड़ने में, बिल्कुल हरा हरा। देख सकते हो उतना मिल नहीं रहा था, तो खोज खोज के मैं तोड़ रही थी। यहाँ वहाँ मिल रहा था, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, इसे खोज खोज के मैं तोड़ रही थी। साग तोड़ा हुआ हो गया था और शाम भी होने चला था, तो फिर घर की ओर जा रहे थे। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा साग तोड़ लिए थे, इतना सारा देख सकते हैं। शाम के टाइम में खेत तरफ कितना अच्छा दिख रहा था, हरियाली हरियाली और सुहाना मौसम, और भी अच्छा। घर जाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी घर तो जाना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं घर आ गए हैं, और अब जो साग है उसको धोएंगे, पानी में डाल के इसको धोना है। पहले दो तीन बार धो लिए थे, तो अभी वीडियो बनाकर आप लोग को दिखा रहे हैं फिर एक बार धो के। अब ये साग को उबालेंगे पानी डाल के। तो देख सकते हैं पानी डाल रहे हैं, ये साग को बिना काटे ही इसको उबालेंगे पानी में, और उसके बाद उबाल कर इसको ठंडा पानी से धोएंगे अच्छी तरह से। तो देख सकते हैं अभी चूल्हा में चढ़ा दिए हैं इसको खौलाने के लिए। देख सकते हैं उबल चुका है, और एक बार ढक के फिर थोड़ा सा उबाल लेंगे, उसके बाद इसको उतारेंगे। देख सकते हैं उबल चुका है। अब इसको निकाल लेंगे थाली में, उसके बाद ठंडा पानी से इसको धोएंगे। तो देख सकते हैं अभी निकाल रहे हैं, और सब निकालने के बाद फिर ठंडा पानी से धो लेंगे। इसमें मैंने नमक पहले ही डाल दी थी स्वाद अनुसार, वो वीडियो में नहीं बना पाई, तो आप लोग भी नमक डाल लीजिएगा स्वाद अनुसार। तो अभी इसको निकाल कर ठंडा पानी से अभी धोएंगे। Thank you.
अब इसी में ठंडा पानी डालकर धोएंगे, तो देख सकते हैं ठंडा पानी डाल दिए हैं। अब इसको धोएंगे अच्छी तरह से, तो वीडियो पे बने रहिए और देखिए मैं किस तरह इसको धो रही हूँ। इसी को इसी तरह करके धोएंगे और इसका जो पानी है उसको इसी तरह करके निचोड़ेंगे दोनों हाथ से, जितना पानी है सब इसका निचोड़ कर निकाल कर रखेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, देख सकते हैं। और एक बार धो लेना है, तो देख सकते हैं मैं और एक बार इसको धो रही हूँ। साग को बनाने के लिए मैंने 3 मिर्च लिया है और लहसुन का कलियां है 8-10 गो। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं, उसके बाद सरसों तेल डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, सरसों तेल भी डाल दिए हैं। सरसों तेल को भी थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, उसके बाद इसको इसमें 5 फ़ोरन डालेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, 5 फ़ोरन डाल दिए हैं। 5 फ़ोरन को चटकने देते हैं, उसके बाद मिर्चा डालेंगे। तो देख सकते हैं मिर्चा डाल रहे हैं, ये लहसुन है। अब साग को छौंका लगाएंगे, तो देख सकते हैं साग डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये साग जिस जिसके गांव में होता होगा तो वो भी एक बार ज़रूर बनाए घर पर, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। फाइनली बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं कितना लाजवाब लग रहा है ये रेसिपी है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।